हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. दिस इज़ डॉक्टर हदी हेयर. आज आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे सेल बायोलॉजी के चैप्टर से. लेकिन टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ स्टूडेंट्स से पिछले लेक्चर में कहा था कि आपने बाल क्यों बनवाए हैं, तो इसका जवाब यह है कि इस वक्त जो डेट है वो है 26th of April 2020, जो कि हालात कुछ इस तरह से कि सब लोग अक्सर लोग घर पर हैं और जो हेयर ड्रेसर है वो सारे के सारे बंद हैं. तो मैं अक्सर बाल बनाता हूँ, लेकिन चूँकि उनकी दुकान सारे शॉप्स क्लोज हैं तो मैंने सोचा कि बस मैं शॉर्टकट कर दूँ, तो इसीलिए ये आपको जवाब मिल गया. ये मैंने अपने हाथ से बना लिया, ठीक है, अपने घर में सब मशीन मेरे पास था, तो ये जवाब था कि आपने बाल इस तरह से कैसे बना लिया. सब स्टूडेंट से बताना पड़ता है क्या करें. तो जनाब टॉपिक आज कॉम्बो टॉपिक है. कॉम्बो टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आज तीन टॉपिक्स मैं लाया हूँ. तीन टॉपिक इसलिए क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इसे अलग अलग हम नहीं पढ़ा सकते. तो पहला जो है वो है गॉल्जी बॉडीज, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा है गॉल्जी बॉडीज, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी अपरेटस, तीन नाम है. तो मैंने सिर्फ गॉल्जी बॉडीज लिखा. और तीसरा जो है वो लाइसोसोम है. ये तीन के तीन टॉपिक्स इंशाल्लाह आज आप बड़े मज़े से सीख जाएंगे. तो देखते हैं, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं उसी डायग्राम से जिसमें हमने सुना था कि हमारे पास जो है सेल मौजूद है. ये आपका सेल है और सेल के अंदर हम न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं. न्यूक्लियस के बाद यहां पर आपको मिलेगा ट्यूब्यूल्स, आपको नजर आएंगे चैनल्स, और वो भी इस तरह से चैनल के एक नाली की शक्ल में नहीं, मिसाल इस तरह से नहीं कि आपको सिर्फ एक नाली की शक्ल में नजर आए. मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ये एक नाली सी शक्ल यहां पर बन गई है. एक नाली नहीं है, नेटवर्क ऑफ, मैं तरफ लिख लिया नेटवर्क ऑफ चैनल्स, नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ चैनल्स. तो चैनल्स हम लोग जो है नालियों को बोलते हैं. तो यहां पर आपको एक नहीं बहुत सारी नाली आपको मिल जाएंगी. समटाइम ये आपकी मर्जी है, आप इसको कितना अच्छा बना सकते हैं डायग्राम वाइज वो आपकी मर्जी है, ठीक है. तो ये आपको इसको एक्सपेंड करना होगा, ले जाना होगा, और मोस्टली इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन तक लेके जा सकते हैं. इवन ये जो है सेल मेम्ब्रेन को जाके टच कर सकते हैं. यहाँ पर आप उसको कोई ओपन इस तरह से ट्यूब्यूल्स भी बना सकते हैं, लास्ट में फिर आप इस तरह बना सकते हैं. लेकिन ये जो एक स्ट्रक्चर आपने देखा, ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स है. इस चैनल्स को हम लोग नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रेटिकुलम जो है, रेटिकुलम वो असल में चैनल्स को बोलते हैं. तो ये चूंकि चैनल्स है तो रेटिकुलम है. अब एंडो चूंकि सेल के अंदर है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में है, प्लाज्मिक चूंकि प्लाज्म साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है. अच्छा जनाब, अब ये जो आप देख रहे हैं इनका ये जो पर्दा है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग नाम देते हैं सिस्टर्नी. That is called as cisternae, cisternae, cisternae. ये वो वाला नहीं है SIS cisternae, वो नहीं है, cister cisternae है. ये असल में इन मेम्ब्रेन को कहते हैं. तो ये असल में ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, काम की चीज़ें नज़र आएंगी, जो सेल यूज़ करते हैं वो इधर अंदर आपको नज़र आएंगी. और देखें कि ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के साथ ये चीज़ें मिक्स नहीं हो रही है, क्योंकि साइटोप्लाज्म और यहाँ के दरमियान ये जो पर्दा है इनको सेपरेट कर रहे हैं. अच्छा जरा अब हम आते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो टाइप्स है. दो टाइप इस तरह से है कि कहीं पर अगर आप देखें तो आपको दानेदार से स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर. दानेदार से स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे. ये जो दानेदार स्ट्रक्चर्स है, इन दानेदार स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देंगे राइबो
राइबोसोम हम नाम देंगे, और ये जो राइबोसोम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा स्ट्रक्चर रफ नज़र आ रहा है, रफ ना हमवार सा नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इलाके का नाम रख देंगे, सिर्फ इस इलाके का, इस इलाके का हम नाम रख देंगे रफ, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो आर ई आर आप उसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं। इसके बाद जो आपको रेटिकुलम नज़र आ रहा है उस पर राइबोसोम्स नहीं है, उस पर बिल्कुल भी राइबोसोम नहीं है, तो वो जो है वो हमारे स्मूथ है, रफ नहीं है, स्मूथ है, तो उसका हम नाम क्या रख देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम लोग इसको नाम देंगे। तो एक चीज़ आप ज़रा देखिए कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैं एन लिख लेता हूँ, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन ये स्टार्ट करते हैं कहाँ से, न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ है और सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट है, तो एक बहुत ही वसी सा नेटवर्क है। अब मैं अक्सर जब भी सेल पढ़ाता हूँ तो उनको कहता हूँ कि हमारा जो सेल है ये बिल्कुल किसी फैक्ट्री की तरह है। फैक्ट्री के अंदर ज़ाहिर है एक कमरा नहीं है, एक रूम नहीं है, एक यूनिट नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर कमरे के अंदर एक ख़ास काम हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी कारखाने में जाएं तो आपको एक कमरे में ऐसा जगह नज़र आएगा, एक डिपार्टमेंट नज़र आएगा जहाँ पर खाम माल पड़ा हुआ है। इसके बाद आप दूसरे कमरे में जाएंगे तो वहाँ पर उसकी जो है प्योरिफिकेशन हो रही है, उसकी सफाई हो रही होती है। तीसरे जगह पे आप जाओ वहाँ पर उनको मिक्स किया जा रहा होता है, उनसे कोई चीज़ बनाया जा रहा होता है। नेक्स्ट कमरे में आप जाएंगे तो वहाँ पर उनकी पैकेजिंग होती है, प्लास्टिक कोटिंग होता है, उसके ऊपर मार्क लगाए जाते हैं, ठीक है, स्टैंप लगाए जाते हैं। और दूसरा ऐसा कमरा भी होगा जहाँ पर कोई सिक्योरिटी रूम होगा जो देख रहा हो कि क्या हो रहा है, कोई सिक्योरिटी का तरतीब ज़रूर होगा। तो सेल भी किसी फैक्ट्री से कम नहीं है, सेल के अंदर भी इसी तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर एक ख़ास काम हो रहा होता है, और मज़े की बात हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ यूज़ होता है, डिवीजन ऑफ लेबर इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर ये आपने याद रखना है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि सेल के अंदर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हमें मिलेंगे, हर कंपार्टमेंट एक मखसूस रोल अदा कर रहा होगा, ख़ास काम कर रहा होगा, फिर दूसरा, और इन सब का ओवरऑल काम ये होगा कि पूरे सेल को अच्छी तरीके से फंक्शनलाइज करे। अगर किसी कारखाने में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो, एक डिपार्टमेंट भी सही काम ना करेगा तो फैक्ट्री नाकाम हो जाएगी। तो हमारा सेल के अंदर भी इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिसिप्लिन हमें नज़र आएगा। तो उस डिसिप्लिन का पहला हिस्सा ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कुछ तो हो रहा होगा। सो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो पहले हम आ जाते हैं इसके फंक्शन, तो पहले फंक्शन में हम लोग आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, हम आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं। इसका जो पहला काम है वो है लिपिड सिंथेसिस, यहाँ पर बनते हैं लिपिड्स, लिपिड्स की यहाँ पर सिंथेसिस होती है। भाई कौन से लिपिड्स हैं हमारे पास, फॉस्फोलिपिड्स आप लिख सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स है, स्टीराइड्स है, कोलेस्ट्रोल है, ये यहाँ पर बन जाते हैं, ये इसमें स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी प्रोसेस होता है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन, ये एक और प्रोसेस है जो यहाँ पर होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी अगर आपके सेल के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो जहरीला असर करता हूँ, उन चीज़ों को यहाँ पर डिटॉक्सिफाई किया जाता है, यानी उनका जहरीला असर को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको एक स्पेशल किस्म का इंजाइम का एक फैमिली नज़र आएगा, एक सिंगल इंजाइम नहीं है, सिंगल इंजाइम नहीं है, बहुत सारे इंजाइम का ख़ानदानी नाम है, साइटोक्रोम P450, ये इंजाइम का ख़ानदानी नाम है।
बस आप ये समझे कि P450 इंजाइम बहुत ज़्यादा फैमिली है। ये इंजाइम जो है ये इन ड्रग्स को, जहरीले चीज़ों को, इनका जहरीला असर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एक हद तक आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि फिर जब कोई बंदा जहर खाते तो मरता क्यों नहीं है। हमारी बॉडी में एक ख़ास हद तक जो है अगर जहरीला असर है तो उसको कम बैक किया जा सकता है, उसको जो है डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा जहर ले रहे तो उससे आप जो है बच जाओगे। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मौजूद है? राइबोसोम मौजूद है। और राइबोसोम के बारे में एक बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, राइबोसोम बकायदा उसका लेक्चर आएगा। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन को बनाते हैं सेल के अंदर, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, फैक्ट्री है प्रोटीन का। और प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे सेल के अंदर, मैं ऑलरेडी प्रोटीन पर लेक्चर दे चुका हूँ। तो ये जो राइबोसोम चूंकि यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या कहेंगे कि भाई इसका जो पहला काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये उसका पहला काम होगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज यहाँ पर क्या मौजूद है? राइबोसोम मौजूद है। अच्छा जनाब, अब ये यहाँ पर जितना कुछ बन गया, मोस्टली जो प्रोटीन बन जाते हैं वो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक नामुकम्मल शक्ल में अक्सर होते हैं, नामुकम्मल इनकम्प्लीट होते हैं। ये जो प्रोटीन यहाँ पर बन जाते हैं ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। इन इन जो प्रोटीन यहाँ पर बन जाते हैं, लेट सपोज यहाँ पर जो प्रोटीन हमारे पास है ये देखो, चलो ये प्रोटीन यहाँ पर है, बन जाते हैं दिस प्रोटीन। अच्छा जनाब, ये प्रोटीन यहाँ पर बन गया। अब इधर छोटे छोटे सुराख भी होते हैं, याद रखिए अगर राइबोसोम तो इसके ऊपर होते हैं, प्रोटीन तो राइबोसोम के ऊपर बन जाते हैं, फिर किस तरह से ये प्रोटीन अंदर आ जाते हैं तो ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। वो जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। लेट सपोज ये आपका एक सिस्टर्नी है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पोर नजर आएगा आपको, और यहाँ पर जो है ग्लाइकोप्रोटीन का एक पोर होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पर अटैच है आपका राइबोसोम आर। तो जब राइबोसोम के ऊपर कोई प्रोटीन बन जाता है, लेट सपोज ये है भाई आपका प्रोटीन, ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है, तो ये पॉलीपेप्टाइड इस सुराख के थ्रू जो है इसके अंदर आ जाएगा, इस पोर के थ्रू अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा स्पेशल है क्योंकि FSCA लेवल पर ये पॉइंट किसी ने अभी तक, आज तक किसी स्टूडेंट ने मुझसे नहीं पूछा कि भाई ये किस तरह है। मतलब राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं लेकिन ये नहीं देगा कि भाई वो तो ऊपर है तो अंदर कैसे आते हैं, तो ये बड़ा स्पेशल है आप लोगों के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, तो प्रोटीन इधर आ गए, यहाँ पर प्रोटीन एक नामुकम्मल शेप में है, प्रोटीन को जाना होगा कहीं और पे जाना होगा जहाँ पर प्रोटीन को एक ख़ास शक्ल दिया जाएगा, जहाँ पर प्रोटीन इसके काबिल हो जाएगा कि काम करना शुरू करें। सो अब हम लोग स्विच ऑन करते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जिसका नाम है गॉल्जी बॉडीज़ या गॉल्जी कम्प्लेक्स या गॉल्जी अपरेटस, तीन नाम है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर ये इस इलाके को थोड़ा सा छोटा करना होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियस के साइड पर देखें तो इस बार आपको जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको आपको मैंने बताया था, यहाँ पर आपको मिलेगा नेटवर्क ऑफ चैनल्स, हमने बताया था ना नेटवर्क ऑफ चैनल्स, लेकिन यहां पर आपको नजर आएगी सैक, फ्लूड फिल्ड सैक्स। गॉल्जी बॉडीज के लिए क्या कहेंगे, एक तो एक लफ्ज यूज करेंगे फ्लैटेंड, फ्लैटेंड। अच्छा, उसके बाद फ्लूड फिल्ड, फ्लूड फिल्ड सैक्स, सैक्स मीन थैलिया। ऐसे यहां पर एक थैला पड़ा हुआ है, वो भी पानी से भरा हुआ, ठीक है, और ये जो थैला है ये चिपटा हुआ है, फ्लैट, एक तो गोल होता है एक फ्लैट, ठीक है। तो ये फ्लैटन फ्लूइड फिल्ड एक थैला है, इसके ऊपर दूसरा थैला पड़ा हुआ है,
स्टाक बोलते हैं, स्टाक दूसरा थैला इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे पानी से भरे हुए थैले या फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पड़े हुए हैं, तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास। किस तरह से बन जाता है? कप की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पानी से भरे हुए थैलियां एक दूसरे के ऊपर स्टाक होकर के हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर को हम लोग गॉल्जी बॉडीज या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी अपरेटस कहते हैं। इसके दो साइड्स हैं। ये वाला जो साइड है, इस तरफ से जो साइड है, इसको हम लोग सिस बोलते हैं, सिस गॉल्जी। इस साइड का नाम क्या है? इस साइड का नाम है सिस गॉल्जी। इस कॉल्ड इज सिस गॉल्जी, या आप उसको फॉर्मिंग फेस भी कह सकते हैं, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। फॉर्मिंग फेस, फेस का मतलब है साइड, फॉर्मिंग फेस या सिस गॉल्जी भी आप कह सकते हैं। अगर आप यहां पर आ जाओगे तो ये वाला जो साइड है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रांस, ये जो खड्डे की तरह है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांस गॉल्जी, या फिर मेच्योरिंग फेस भी इसके लिए यूज होता है, मेच्योरिंग फेस भी आप उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा कन्वेक्स और कनकेव साइड भी इधर यूज होते हैं, ठीक है। कनकेव साइड, कन्वेक्स साइड, वो भी आप बोल सकते हैं। मतलब आप किसी के बुक में अगर वो नजर आए तो डोंट वरी, एक साइड कनकेव साइड, दूसरा कन्वेक्स साइड है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे कि इसका फंक्शन क्या है, मतलब गॉल्जी बॉडीज का काम क्या है। स्ट्रक्चर तो आ गया, दो दो लाइनों में बता दिया, इसका फंक्शन क्या है। गॉल्जी बॉडीज का जो फंक्शन है वो क्या है, वो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि जो फंक्शन है गॉल्जी बॉडीज का, उसको मैं अक्सर दो पी से लिख लेता हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन आप लोगों के लिए दो फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक पी से मैंने पैकेजिंग का नाम देंगे, पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग। और दूसरे पी से प्रोसेसिंग, ये दो बड़े मशहूर काम हैं इसके, गॉल्जी बॉडीज के काम है, पीपी, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग। कैसे? दोबारा से जरा आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप आ जाइए। ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर जो लेट सपोज प्रोटीन तैयार हो गए, ये प्रोटीन यहां से बाहर आते हैं, इसके लिए इंग्लिश में एक लफ्ज यूज होता है, बड ऑफ, बड ऑफ, बड ऑफ। यहां से एक छोटा सा थैला नुमा स्ट्रक्चर जाहिर हो जाएगा, थैला नुमा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारा का सारा मेम्ब्रेन है, तो ये भी मेम्ब्रेन का बना हुआ एक थैले लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से नजर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इज वेजिकल। इसको हम क्या नाम देते हैं? वेजिकल, वेजिकल, ठीक है। ये जो वेजिकल है इसके अंदर जो है वो प्रोटीन पड़ा होगा जो मेच्योर नहीं है, जो खाम माल है। ये वेजिकल जो है इसको आप लोग ट्रांसफर वेजिकल का नाम भी दे सकते हैं, ट्रांसफर वेजिकल का नाम आप इसको दे सकते हैं। अब ये जो वेजिकल है ये मूव करेगा, ठीक है, इट विल स्टार्ट मूविंग, और मूव करके आएगा गॉल्जी बॉडीज के किस साइड पर अटैच होगा? सिस गॉल्जी, यहां पर जो है ये अटैच हो जाएगा। ये रहा। अब आपको पता है कि अगर ये सिस्टर्नी है, मेम्ब्रेन है, तो भाई ये भी तो सिस्टर्नी है, ये भी तो मेम्ब्रेन है, और ये जो थैला अभी अभी पहुंचा हुआ है, ये जो थैले के आसपास जो कवर है वो भी तो मेम्ब्रेन है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाने से इसके अंदर जितने भी मटीरियल है वो मटेरियल सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा, गॉल्जी बॉडीज के अंदर जो थैले इसके अंदर आ जाएगा। और ये जो वेजिकल है ये सारा का सारा वेजिकल इस मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, इस मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। तो अब गायब हुआ, गायब नहीं हुआ, वो इसी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ। अब यहाँ पर अंदर जो प्रोटीन आया, जो चीज़ें आ गई,
इनको हमने करना क्या है, पैकेजिंग इनकी करनी है। देखो जिस तरह आप कारखाने में कोई चीज़ बनाते हैं, आप उसको पैक करते हैं, पैक करने से उसको एक पहचान मिल जाती है, एक तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, साथ साथ उसको पहचान मिल जाती है कि भाई इसको कहाँ जाना है। पैकेजिंग पे प्लास्टिक पे कुछ लिखा होगा कि भाई इसको अपने कहाँ भेजना है, तो इसीलिए हम उसको यहाँ पर उसकी पैकिंग करेंगे और उसके आसपास कोई कवर लगाएंगे, प्रोटेक्टिव कवर लगाएंगे, तो पैकेजिंग में आ जाएगा, वो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर है प्रोसेसिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग लफ्ज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जो भी चीज़ यहाँ पर अंदर आ चुका है, थोड़ा सा मैं डायग्राम को बड़ा करके आपके लिए बता देता हूँ। लेट सपोज ये गॉल्जी बॉडीज का एक थैला है और यहाँ पर पड़ा हुआ है प्रोटीन का एक लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अंदर कई चेंजेस आती हैं, जैसे कि ये बहुत सारा अपने आप को फोल्ड करेगा ऐसे, ठीक है, ये अब उसने आप पहले ओपन था, थोड़ा सा उसने अपने आप को फोल्ड कर दिया, ये भी पैकेजिंग में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग में आ जाता है। लेकिन प्रोसेसिंग के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो है इसके अंदर कोई और किस्म का मॉलिक्यूल ऐड किया जाए, मतलब कौन से मॉलिक्यूल, या तो यहाँ पर आप ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स के कोई कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल है, कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो आप इसके साथ ऐड कर देते हैं इसके साथ। चलो ये आ गए भाई, ग्लूकोज आ गया इसके साथ, कोई कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो आप उसको नाम दे, ग्लाइकोप्रोटीन आप नाम दे सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर उसकी हो जाएगी, एक और भी है फॉस्फोराइलेशन में इसके अंदर कोई फॉस्फेट ग्रुप जो है हम लोग ऐड करेंगे, तो ये भी आ जाएगा प्रोसेसिंग में। सल्फेशन में कोई सल्फेट ग्रुप आके इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी जो चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया उसके साथ अगर कोई फॉस्फेट, कोई ग्लाइको ग्लूकोज सल्फेट ऐड किया जाए तो हम उसको प्रोसेसिंग का नाम देंगे। और जाहिर है इनके ऐड करने से उसमें कोई ख़ास किस्म की चेंजेस आ जाती है और वो कोई ख़ास किस्म का काम करना स्टार्ट कर लेगा, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग प्रोसेसिंग। तो ये सारा का सारा अंदर गॉल्जी बॉडीज के अंदर हो रहा होता है पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के बाद। यहाँ से ये जो साइड है, ये इस साइड से फिर से एक वेजिकल जो है वो निकल जाएगा, बड ऑफ करेगा। उस वेजिकल के अंदर भी क्या पड़ा होगा? वही प्रोटीन पड़ा होगा जो यहाँ से आया था, लेकिन इधर वो नामुकम्मल थे, इनकम्प्लीट थे, यहाँ पर वो बिल्कुल पेक है, प्रोसेस्ड है और उसको पता भी है कि मैंने कहाँ जाना हो। अब यहाँ पर जो ये वेजिकल आ गया, ये वेजिकल या तो इधर ही आसपास सेल के अंदर रहेगा, स्टोर हो जाएगा सेल के अंदर ही, या फिर ये मूव करके अपने सिक्रीशंस को सेल के बाहर फेंक देगा। तो दोनों ऑप्शंस हैं उसमें, या तो ये इतनी सेल के अंदर रहकर कोई अपना कोई काम करना स्टार्ट करेगा, कोई फंक्शन स्टार्ट करेगा, जैसे अभी मैं आपको मिसाल बताऊंगा लाइसोसोम से, या फिर ये सेल के बाहर अपने सिक्रीशंस को, इसके अंदर जो कुछ भी है सेल के बाहर जाकर ये रिलीज कर देगा। तो ये तो हो गया भाई गॉल्जी बॉडीज का। अगर आप बुक्स में कहीं पर देखे, सिंध बोर्ड या बलूचिस्तान बोर्ड या फेडरल बोर्ड में, तो फिर लिखा होता है कि इसका काम क्या है, सेल सिक्रीशन, मतलब जो भी टेक्स्ट बुक देखते हैं उधर लिखा होगा सेल सिक्रीशन, भाई किस गॉल्जी बॉडीज के फंक्शन होते हैं सेल सिक्रीशन। क्या है सेल सिक्रीशन? यानी जो सेल अपने अंदर कोई काम की चीज़ बनाकर उसको सिक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है, उसको हम सेल सिक्रीशन कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, लीजों को ले भी जा रहा है और सिक्रीशन मतलब उसको लेके जा रहा है। तो थर्ड पर हम लोग आ जाते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम बिल्कुल इसी डायग्राम में ही आपको समझ आएगा, इस डायग्राम के बगैर नामुमकिन है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लाइसोसोम का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। अगर हम लाइसोसोम के अंदर देखें तो लाइस का मतलब है स्प्लिट,
लाइस का मतलब है स्प्लिट यानी तोड़ देना, और सोम का मतलब है बॉडीज या बॉडी, मतलब ये कुछ ऐसे अजसाम है, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका काम है चीजों को तोड़ देना। इसको आप गार्बेज कलेक्टर भी कह सकते हैं, मतलब एक लिहाज से इसके बहुत सारे काम में से एक काम ये भी है। जैसे गार्बेज कलेक्टर, कचरा है घर में या किसी दूसरी जगह में, कचरा जो भी नजर आ जाए उसको कलेक्ट करके दफा करना, तो ये भी सेल के अंदर अगर इधर उधर कोई कचरा नजर आ जाए ये उसको खत्म कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम गार्बेज कलेक्टर भी रखा गया। लेकिन इसके और भी ज्यादा फंक्शंस हैं। तो ये किन चीजों को तोड़ देता है, यानी इसके अंदर कोई एंजाइम होंगे, क्योंकि सेल के अंदर कोई छुरी नहीं है। जैसे आप छुरी से कोई चीज काटते हैं या कुल्हाड़े से कोई चीज काटते हैं, एक्स से आप कोई चीज काटते हैं, सेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सेल के अंदर कुछ तो होगा कि उसकी वजह से भी चीजों को तोड़ सके, ब्रेकअप कर सके, और हम इसकी जरूरत पड़ती है। खुराक आता है, खुराक आपके सेल के अंदर, उसकी तोड़फोड़ होती है। तो सेल के अंदर ये काम एंजाइम करते हैं। अब ये जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम होते हैं, ये इंजाइम चीजों को तोड़ देते हैं। लेकिन आपने नाम याद रखना होगा, तकरीबन 50 डिफरेंट इंजाइम्स मौजूद हैं, और उन सब को एक ही खानदानी नाम हम देंगे। क्या नाम हम देंगे? हाइड्रो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, इसका नाम हम ले देंगे हाइड्रोलाइटिक इंजाइम हम नाम देंगे, मतलब जो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू चीज़ों को तोड़ देते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम भी हमें हमें हमारे पास है, एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लियस प्रोटीएज, जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं, जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो डिफरेंट इंजाइम जो है वो इस लाइसोसोम के अंदर मौजूद है। अब अगर आप देखें, लाइसोसोम खुद एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, मतलब अगर आप देखें ये रहा एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है लाइसोसोम, इसका मेम्ब्रेन है। थोड़ा सा मैं इसको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे देता हूँ कप लाइक। तो ये जो लाइसोसोम, इसके अंदर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या मिलेंगे? अंदर आपको इंजाइम्स नजर आएंगे, इंजाइम। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंजाइम किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? कोई भी, मैं अभी पूछूंगा, ये इंजाइम जो है, वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ये जानना बहुत ज़्यादा लाजमी है कि इंजाइम आर मेड ऑफ प्रोटीन। तो इधर प्रोटीन है या इंजाइम है, ठीक है। अब ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए कोशिश करते कि इसके अंदर का जगह तेजाबी हो, एसिडिक हो, और एसिडिक इतना ज़्यादा एसिडिक है कि इसका पीएच जो है ये अराउंड 5 है। जिस चीज़ का पीएच 7 से कम हो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो एसिडिक है। 7 या 7 से अबव जो है वो बेसिक है। तो इसका पीएच 5 है, मतलब ये एसिडिक है। अब ये अंदर किस तरह तेजाबी माहौल मेंटेन करता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके मेम्ब्रेन के अंदर एक पंप लगा हुआ है, ठीक है। अब पंप का लफ्ज यूज करते हुए मैं अक्सर जुड़ करते कि कोई इस तरह का पंप होगा जैसे हम लोग यूज करते, बड़ा सा। ये पंप इन सम टाइप ऑफ प्रोटीन जो एनर्जी को खर्च करके किसी चीज को सेल के अंदर या बाहर ले जाए, उसको पंप बोलते हैं। तो ये पंप है भाई, प्रोटीन को एक छोटा सा प्रोटीन पड़ा हुआ है, वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन आयंस को सेल के अंदर ले आते हैं। और जब सेल के सॉरी सेल के अंदर इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोजन आयंस को लाते हैं, प्रोटोन को लाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन आ जाते हैं। प्रोटॉन आने से पीएच कम हो जाता है, ठीक है, ये जगह तेजाबी हो जाते हैं। तो ये था लाइसोसोम किस तरह अपना माहौल तेजाबी बनाते हैं। अब ये एंजाइम क्या करेंगे? ये जो एंजाइम है ये सेल के बाहर जाकर चीज़ों की तोड़फोड़ स्टार्ट करेगा। तो हम इसको नाम देंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, थोड़ा इंतज़ार करें, मैं आपको बताऊं कि लाइसोसोम किस तरह बनता है वो अलग जाके पढ़ेंगे बाद में। थोड़ा सा ये सेल के बाहर जाकर ये चीज़ों की डाइजेशन स्टार्ट करेगा, और या तो ये सेल के अंदर भी, मिसाल ये आपका सेल है तो ये सेल के अंदर भी यहाँ पर चीज़ों की तोड़ फोड़ स्टार्ट करेगा, तो उसका नाम क्या होगा? उसका फिर नाम होगा इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हम उसको नाम देंगे, सेल के अंदर है जो तोड़फोड़ है। अब स्टार्ट करते हैं कि लाइसोसोम बना कैसे है। फंक्शन सबको याद आ जाता है कि भाई इसका काम है चीजों को तोड़ देना। एक इसका फंक्शन मुझे अभी एक और याद है कि मेंढक का जो बच्चा होता है लार्वा, शुरू शुरू में उसका दुम होता है, अगर आपने देखा हो तो वो जो दुम होता है बाद में गायब हो जाता है, लार्वा बाद में गायब हो जाता है, तो वो जो टेल है, टेल ऑफ द फ्रॉग लार्वा, ये खत्म हो जाता है किसकी मदद से? लाइसोसोम की मदद से, ठीक है। अच्छा ये भी थोड़ा सा उसका फंक्शन याद है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि लाइसोसोम बना कैसे। लाइसोसोम के जो इंजाइम है और वो जो प्रोटीन है, प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार हो जाएगी, ठीक है। प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि इंजाइम किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन यहाँ पर बन जाएंगे और वो प्रोटीन एक वेसिकल के अंदर मूव करके गॉल्जी बॉडीज में आएंगे। गॉल्जी बॉडीज के अंदर उनको एक शेप दिया जाएगा, एक खास शक्ल दिया जाएगा, उनको प्रोसेस कर दिया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद जब वो यहाँ से निकलेगा, तो वो एक कंप्लीट लाइसोसोम कहलाएगा, यहाँ से एक कंप्लीट लाइसोसोम कहलाएगा मुकम्मल तौर पर। अब ये जो लाइसोसोम है, इसको अगर आप बलूचिस्तान बोर्ड में देखें या फेडरल बोर्ड में देखें तो इसके लिए सिर्फ दो नाम यूज़ करते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम, लेकिन हम उसके लिए चार नाम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करें प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, तो इसका मतलब ये है कि इसमें चीज़ें सिर्फ स्टोर हुई हैं, कोई डाइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ फोड़ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सो ओनली यहाँ पर जो काम है वो है स्टोरेज का, मतलब इसके अंदर कोई चीज़ स्टोर है, एनीथिंग कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो भी, इसके अंदर सिर्फ स्टोर है, सो स्टोरेज का काम कर रहा है, तब इसका नाम होगा प्राइमरी लाइसोसोम, कोई भी खुराक इसके अंदर स्टोर है। सेकेंड, इसका नाम होगा सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम भी हम उसको कह सकते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होगा कि इसके अंदर जो खुराक है उस पर एंजाइम ने काम करना शुरू किया हुआ है और एंजाइम ने इसके अंदर खुराक को तोड़ दिया हुआ है। जब उसने खुराक को तोड़ दिया या अभी तोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तब जाकर इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। तो अब अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेकिंग विल स्टार्ट, एंजाइम अपने एक्शन में आएंगे, लेकिन प्राइमरी लाइसोसोम में जो है सिर्फ स्टोरेज का काम हो रहा होगा। अब थर्ड नाम भी इसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइसोसोम के लिए, वो क्या है? वो है रिजाइडुअल बॉडीज, ये है रिजाइडुअल बॉडीज। क्या है रिजाइडुअल बॉडीज का मतलब? ये है कि जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर जब डाइजेशन हो जाती है तो उस डाइजेशन के बावजूद भी कुछ चीज़ें यहाँ पर रह जाती है, उस डाइजेशन के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर रह जाती है और ये हमेशा के लिए यहाँ पर पड़ा रहता है, तो एक किस्म का फालतू स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है जो डाइजेशन के बाद इसके अंदर कुछ कचरा रह जाता है, इसका नाम है रिजाइडुअल बॉडीज, या फिर आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, लिपोफस्टिन ग्रेन्यूल्स का नाम भी आप
दे सकते हैं इसको। तो यह हो गया आपका रिजाइडल बॉडीज। तीन, चौथा क्या है, फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन में इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑटो फेगोसोम। ऑटो फेगोसोम ये क्या चीज है? ऑटो फेगोसोम, देखिए आपके सेल के अंदर कभी कुछ चीजें पुरानी हो जाती है, कचरा हो जाता है, उसको जैसे मैंने कहा था लाइसोम को गार्बेज कलेक्टर कहा जाता है, उसको दफा करना है, उसको सेल से जो है निकालना है। तो उसको कैसे, इस तरह से नहीं उठा के सेल से बाहर निकाला, नहीं, उसको तोड़ना होगा। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर खासकर जो वॉर्न आउट आरबीसीज है, ओल्ड आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, तो लेट सपोज ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका टाइम पूरा हो गया है, तो क्या होगा कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम आकर इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर लाके इसी माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ना शुरू करेगा। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ना शुरू करेगा, यानी इसके सेल का अपना कोई स्ट्रक्चर है, मतलब बाहर अक्सर चीज़ें लाइसोसोम जो तोड़ता है वो बाहर से आते हैं, बाहर से चीज़ें आती हैं, लाइसोसोम उसको तोड़ता है। ये सेल का अपना स्ट्रक्चर है, आठो लफ्ज है, सेल का अपना स्ट्रक्चर जाकर इसको तोड़ रहा है। इसके लिए हम लोग एक लफ्ज यूज करते हैं ऑटोफेगी, इसके लिए यूज करते हैं ऑटोफेगी। सेल्फ, फेगी मतलब ईटिंग, ऑटो का मतलब है सेल्फ, अपने ही सेल का स्ट्रक्चर सेल्फ, फेजी का मतलब है ईटिंग, सेल्फ ईटिंग। तो ऐसा लाइसोसोम क्या कहलाएगा, ऑटोफेगोसोम कहलाएगा, ऑटोफेगोसोम कहलाएगा, जो अपने ही सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर को काट लेते हैं, और प्रोसेस का नाम है ऑटोफेगी। तो इसके साथ ही लाइसोसोम का आपके फंक्शन भी सारा हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया, गॉल्जी बॉडीज भी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, सब का सब हो गया। थोड़ा सा बताते हैं आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ये चैनल्स है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, जो न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर के सेल मेम्ब्रेन पे ख़त्म हो जाती है, और इसके दो टाइप्स है, एक पे राइबोसोम है, दूसरे पे नहीं है। जिस पे है उसको रफ कहा जाएगा, जिस पे नहीं उसको स्मूथ कहा जाएगा। रफ प्रोटीन बनाते हैं, स्मूथ लिपिड्स बनाते हैं, और जो कुछ यहाँ पे बन जाते हैं वो अक्सर उसको पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए उसको गॉल्जी बॉडीज की तरफ ले जाना होगा, जहाँ पर पैकेजिंग और प्रोसेसिंग होने के बाद एक साइड से चीज़ें दाखिल हो जाती है, दूसरी साइड से निकल जाती है। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा। लाइसोसोम एक स्प्लिटिंग बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम है, और वो जो एंजाइम है उसका प्रोटीन गॉल्जी बॉडीज पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, गॉल्जी बॉडीज में उसकी प्रोसेसिंग होती है, और यहाँ से एक मुकम्मल लाइसोसोम निकल जाता है। और लाइसोसोम के मैंने जितने भी फंक्शंस थे वो आपको बता दिया, साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि लाइसोसोम के अंदर पीएच तेजाबी होता है, और उसके रीज़न भी बता दिया कि किस तरह से वो पीएच तेजाबी एसिडिक पीएच को मेंटेन रखता है। इसके साथ ही ये प्यारा लेक्चर आपको बता दिया है, होप कि आपको इस सारा का सारा समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक बात मैं भूल गया कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि यार आप लोगों का ये जो एफएससी लेक्चर्स है, इसके अलावा आपको एडवांस लेक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांस हो। वो उसके लिए मेरा एक इंग्लिश चैनल है, इसमें कुछ उर्दू वीडियोस भी है, लेकिन इंग्लिश में मैंने उसको बनाया हुआ है, अक्सर बड़े सिंपल लैंग्वेज मैंने उसको जो है रिकॉर्ड किया हुआ है उन लेक्चर्स को। तो आप लोग वहाँ पर भी जाएँ, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, उसको जो आपके सीनियर है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ते हैं, उसके साथ शेयर करें, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसके साथ। तो आप ज़रूर जाइए, उस चैनल का नाम आप क्या है, YouTube पर आप लोग टाइप करोगे मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी, मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी, MEDICAL मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी, इधर आप जो है ये टाइप करोगे तो आपके पास वो आ जाएगा। उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं इसको भी लाइक कीजिए, और इसको भी शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर करते रहिए, क्योंकि नीचे एक शेयर का ऑप्शन भी है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं, ना वो जानते हैं कि सब्सक्राइब क्या है। तो भाई जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, स्क्रीन के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन भी नज़र आएगा, एक घंटी नंबर बेल आइकन भी आपको मिलेगी, सब्सक्राइब करोगे
तो आप चैनल का हिस्सा बन जाएंगे, और बेल घंटी का जब आइकन भी आप दबाएंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको आपकी मर्जी के बगैर आपको नोटिफाई करें, आपको मोबाइल खुद स्क्रीन पर बताया कि देखो इसने फिर आज एक वीडियो अपलोड किया, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आज मुझे पता चला कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सब्सक्राइब तक करना नहीं आता, तो ये मैंने बता दिया। आस्ते आस्ते हम बहुत कुछ करेंगे, और साथ साथ एक एडवाइस भी मैं आपको देता चलूँ कि हर रोज़ कोशिश करें, अभी तो मैं रमज़ान भी चल रहा है, हर रोज़ कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से छोटा दरमियाना बड़ा हेल्प किसी को दे दो, कोई मदद करें आप, 5 रुपये की शक्ल में, 10 रुपये की शक्ल में, या इवन अगर ये कुछ भी नहीं, एक स्माइल दे दे लोगों को, ठीक है। गुस्से से बात ना करें, कितना मीठा मीठा नरम बोल सकते हैं बोलता जाए, आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी नरम बोलने से, प्रैक्टिस होती जाएगी। अगर आपके अंदर नरमी है तो ये इंसानियत की निशानी है, अगर आपके अंदर गुस्सा है, नरमी नहीं है, ये एक बहुत ही बुरा सिग्नल है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।